जगजीत मामा, ये रंजन क्यों किया उसने ऐसा? पता नहीं दिनेश, कुछ नहीं पता। आज रंजन काम पर भी नहीं गया था, सारा दिन अपने कमरे में था। जब तेरी मामी उसे चाय देने गई तो उसने देखा कि रंजन जमीन पर पड़ा था। पास में चूहे मारने वाली दवाई की शीशी भी थी। पहले डॉक्टर पटेल ने सुप्लाजेफाइन की नॉर्मल आईवी दी, तो डॉक्टर तनवर ने कहा कि सुप्रेनॉल एपिड्रल दे दो। बीपी 70/50 तक ड्रॉप हुआ होगा ना? 70/40। ओ ओ, देख मुझसे ऐसा कुछ मत करवा जिससे मुझसे ज्यादा तुझे अफसोस हो। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ सर, पेशेंट्स को उनके घर पे जाके अटेंड करता हूँ। हाँ काका, ऊपर 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 ऊपर, थोड़ा और, थोड़ा थोड़ा और, आराम से आराम से, बस बस। दिनेश मुझे तेरा बायोडाटा नहीं चाहिए और ना ही कोई आवेदन कबूलनामा। तू फिजियोथेरेपिस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट कभी भी इंजेक्शन एडमिनिस्टर नहीं करते। इंजेक्शन कैसे लगाई तूने? सीखा है मैंने। क्यों लगा इंजेक्शन, प्लान क्या था तेरा? अब तो हमारी फिजियोथेरेपी देख, जबान खुलेगी तेरी। शमशेर अच्छे से इलाज करना इसका। सुसाइड अटेम्प्ट किया था उसने। रंजन मेरा ममेरा भाई है, एक महीने पहले उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। हॉस्पिटल में मैं उसी का ध्यान रख रहा था। ना बोगी ना, जी सिस्टर मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, मैं अभी आप लोगों की बातें सुन रहा था, मुझे आपसे कुछ जानना है। क्या? जी वो मेरे पर्सनल स्टडीज के लिए है। क्या जानना चाहते हैं आप? मुझे एक महीने पहले की राम कहानी नहीं चाहिए दिनेश, तूने दो घंटे पहले जो किया वो बता क्यों किया। प्रवीण जायसवाल इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में एक एक सांस के लिए लड़ रहा है। डैम चारकोल बाइंडिंग काम नहीं कर रही है, टॉक्सिसिटी शूट हो रही है। डॉक्टर वेंटिलेटर? नो पॉइंट डॉक्टर तुम्हारा, बीपी 60/40, पेशेंट की हालत खराब होती जा रही है। समीर ये सब कैसे हो गया? अंकल कुछ पता ही नहीं चला, मैं और प्रवीण रिक्शा ले रहे थे और एकदम से। लेकिन प्रवीण को ही क्यों, हमारे बेटे की किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? जवाब दे दिनेश, प्रवीण जायसवाल ही क्यों? सिचुएशन पेचीदा थी, आरोपी मुंह नहीं खोल रहा था, बताने को तैयार ही नहीं था कि उसने क्या किया था और क्यों किया था। शायद वो सिर्फ मोहरा था, मास्टरमाइंड कोई और ही था। शायद वो जानता था कि क्राइम के बाद वो पकड़ा जाएगा, उसकी खामोशी भी साजिश का हिस्सा थी शायद। शायद, पर ऐसा लग नहीं रहा था कि उसने अपने आप को जानबूझकर पकड़वाया हो, हमारे साथ कोई गेम खेल रहा हो। प्रवीण जायसवाल पर जो अटैक हुआ था वो बहुत ही अजीब था, इससे पहले मैंने ऐसा अटैक कभी नहीं देखा था। एक अरसे से विक्टिम का पीछा किया जा रहा है। सात आठ दिन चला, उसके ऑफिस के बाहर वाली ग्वाला की मंडी के ऑटो रिक्शा स्टैंड से वो रिक्शा लेता था। भैया पार्टी में और तूने सोचा कि अटैक के लिए वो जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां से तू भीड़ में गायब हो सकता था। जी सर, प्लान कुछ वैसा ही था।
हुआ नहीं अभी तक? बस यार 15 मिनट और, परसों ही है ना प्रेजेंटेशन। नहीं नहीं शादी हुई है तेरी, घर जा प्रेजेंट मैम बोल दे वरना सख्त पनिशमेंट मिलेगी। अभी 5 मिनट पहले फाइनल वार्निंग भी मिली है। हाँ हाँ कल भी तुमने 5:30 ही कहा था और फिर तुम 7:30 बजे आए। अरे मेरी जान आज पक्का 6 बजे पहुंचूंगा, 15 मिनट में फ्रेश हो जाऊंगा, फिर हम डिनर करने बाहर जाएंगे बड़े तालाब। डन? हाँ जी डन, पर फिर भी मैं कुछ बना कर रखती हूँ। यार मैं बोल रहा हूँ ना मैं आ जाऊंगा। तुम्हारा पक्का मैं तब मानूंगी जब 6 बजे तुम्हें अपने सामने पाऊंगी। 6 तो यही बज गए और तू मेरे सामने, बड़ा तालाब नहीं बड़ा बवाल होने वाला तेरे घर में। शुभ शुभ बोल यार तू, बस 6:15 तक ट्राई कर लेता हूँ, हुआ ठीक है नहीं तो कल ही कम्प्लीट करूंगा मैं। 15 मिनट बोल बोल के पूरे 45 मिनट ले ली तूने, जब मैं इतना इरिटेट हो रहा हूँ तो अपनी नई नवेली दुल्हन के बारे में तो सोच। कितने महीने हुए? 4 3 3 भाई मेरे, 3rd महीने में ना तो रोमांस फ्रंट फुट पे खेलना होता है, कपल की ट्यूनिंग पीक पे होती है ना यार। सैटरडे को मैंने फुल डे ऑफ लिया एडवांस में, घर पर रह के पूरा दिन रोमांस करूंगा, सिर्फ और सिर्फ रोमांस। भाई औरतों की मेमोरी ना किसी हार्ड ड्राइव से ज्यादा होती है, इसीलिए बार कमिट करके मुकर मत जाना वरना गौरी तुझे छोड़ेगी नहीं। पाठक नगर भैया बैठिए। अरे अरे पकड़ो उस आदमी को, उसने कुछ किया है साहब को। अरे वो बंदर टोपी वाला, पकड़ो उसे, पकड़ो पकड़ो, अरे पकड़ो बंदर टोपी वाले को, पकड़ो पकड़ो उसको। क्या हो भाई? पता नहीं साहब कोई पॉकेट वॉकेट मारा होगा। चलो रवि तू ठीक है ना? रवि तू ठीक है ना? साहब वो जो आदमी भागा उसने आपके गले पे कुछ मारा लगता है। साहब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लगता है वो आदमी को इंजेक्शन मार के भाग गया आपको। साहब अरे साहब साहब प्रवीण साहब क्या हुआ साहब? प्रवीण 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 पकड़ो उसको, और पकड़ो उसको। रस्सी किसी के पास ले क्या? ग्वाला की मंडी पे रिक्शा स्टैंड है, प्लीज प्लीज वहां जल्दी एम्बुलेंस भेज दीजिए प्लीज। अब मैं कहता हूँ एम्बुलेंस को आने में देर लगेगी, इन साहब की हालत ठीक नहीं लग रही है, इन्हें रिक्शा में अस्पताल ले चलते। हाँ ठीक है चलो चलो चलो, उठाओ भाई उठाओ, चलो भाई चलो चलो चलो। हाँ साहब ग्वाला की मंडी, बाकी लोग उस आदमी को लेकर सिविल हॉस्पिटल चले गए हैं साहब। हाँ साहब मारने वाले आदमी को हमने पकड़ रखा है, उसके पास से इंजेक्शन भी मिला है साहब। देखिए हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर आपको बता दूं ब्लड प्रेशर बहुत ही ज्यादा गिर गया है, कोमा के चांसेस। एक्सक्यूज तुम गारी? अरे बैठो बैठो। अटैक का फिजियोथेरेपिस्ट है। बड़ी अजीब बात है, फिजियोथेरेपिस्ट इंजेक्शन देने के लिए क्वालिफाइड नहीं होते हैं, पर आजकल कुछ कह नहीं सकते, लोग क्या क्या सीख लेते हैं और फिर उसका इस्तेमाल क्राइम करने के लिए करते हैं। ये अलग अलग एनेस्थेटिक्स का एक डेडली मिक्सचर है। डॉक्टर अभी हम अटैकर को पूरी तरह से क्रैक नहीं कर पाए, उसने 3 दवाइयों के नाम लिए थे, सुप्रानोन, अल्कासिज़नोन, पैराकेटामोल। ये तीनों एनेस्थेटिक्स हैं। ये दवाइयां तुझे किसने दी और तूने इनसे प्रवीण जायसवाल पर अटैक क्यों किया? ये तीनों दवाइयां मुझे किसी ने नहीं दी थी, मैंने खुद ली थी। साहब यहां यहां गिरा था, इधर आया कहां से था वो? साहब जी उनके पीछे से आया था, ठीक कहां से आया था ये तो नहीं देख पाया मैं। पर इंजेक्शन मारते समय तुमने उसे देखा? अरे अरे पकड़ो उस आदमी को। साहब मैं चिल्लाता हुआ भागा उसके पीछे, 2-4 लोग और साथ आ गए, फिर धर लिए चाले को।
यहाँ साहब, ये परवीन जो आपने बताया, उसको थोड़ी देर बाद पता चला कि उसके साथ कुछ हो गया है। लेकिन साहब, मैंने एकदम साफ साफ देखा था, उस आदमी ने ऐसे सुई चुबा दी उस परवीन के गले में। यहाँ पकड़ो, 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 पकड़ो। मैंने खुद बोला उसे कि आपको इंजेक्शन मारा गया है, गले से थोड़ा खून भी आ रहा था। उसे फिर अजीब सा होने लगा। इन तीनों के नाम, नंबर और पते ले लो, तीनों के स्टेटमेंट लगेंगे। तीनों एनेस्थेटिक्स मैंने एक हॉस्पिटल से लिए थे, बताया तो था मैंने आपको। एक महीने पहले मेरे मामा के लड़के ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। मुझे आपसे कुछ जानना है। क्या? जी, वो मेरे पर्सनल स्टडीज के लिए है। क्या जानना चाहते हैं आप? आप सुप्रेनॉन के बारे में बात कर रहे थे, ये किसी को दिया गया है क्या? जी, एक पैंक्रियास के पेशेंट का ऑपरेशन चल रहा है। ये एनेस्थेटिक्स में सुप्रेनॉन सबसे पावरफुल माना जाता है। काफी स्ट्रांग है, पर उससे भी स्ट्रांग होते हैं ना, जैसे कि एक होता है अल्का-सिज़नॉन, जो कि कॉम्प्लिकेटेड केसेस में यूज होता है, और अगर उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है तो पायराकिटम्स। अब समझ गया, मतलब जितनी बड़ी सर्जरी उसमें उसके हिसाब से एनेस्थीसिया। हाँ। सिर्फ एंट्री के लिए कार्ड स्वाइप करना पड़ता है, एग्जिट सिर्फ एक बटन प्रेस करने से हो जाती है। तेरे मामा का लड़का एलजी हॉस्पिटल में एडमिट था? जी। क्यों माना चाहता है प्रवीण जायसवाल को? दुश्मनी क्या उसके साथ तेरी? मेरी कोई दुश्मनी नहीं है प्रवीण जायसवाल के साथ, किसी और की है। दिनेश कौशल, ये कौन है? और हमारे बेटे की उससे क्या दुश्मनी है? हम पता कर रहे हैं, पर ये दिनेश कौशल ज्यादा कुछ बोल नहीं रहा है। दिनेश कौशल आप जानती हैं? मेरे मायके बेलागंज में एक दिनेश कौशल हुआ करता था, फिजियोथेरेपिस्ट। फिर तो ये वही दिनेश कौशल है। गौरी, तुम्हारे मायके के किसी इंसान की हमारे प्रवीण से क्या दुश्मनी हो सकती है, और वो भी क्यों? गौरी, ये सब क्या हो गया ज्ञानेंद्र जी? पता नहीं आनंद जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गौरी, कैसा प्रवीण? पता नहीं भैया, डॉक्टर्स कह रहे हैं सीरियस है। आप लोग? जी, ये मेरे मम्मी पापा और बड़े भैया। तो इस दिनेश कौशल ने ऐसा क्यों किया होगा गौरी जी? मुझे कुछ नहीं पता कि दिनेश कौशल का हमसे क्या लेना देना है। कौन है वो जो प्रवीण जायसवाल को मरवाना चाहता था? कौन? गगन गुप्ता। कौन है गगन गुप्ता? गौरी का भाई है गगन। गौरी प्रवीण की पत्नी, गौरी भी इन्वॉल्व है इसमें? दिनेश ने अपना स्टेटमेंट दे दिया नंदनी, उसने कहा है कि गगन और गौरी इन दोनों ने मिलकर उसे प्रवीण की सुपारी दी। गगन गुप्ता यहीं है हॉस्पिटल में, गौरी और प्रवीण के परिवार वाले भी यहीं पर हैं। फैमिली काफी हिली हुई है, डॉक्टर ने अभी तक आउट ऑफ डेंजर का सिग्नल दिया नहीं है। अटैकर दिनेश ने इन दोनों भाई बहन का नाम लिया है, देखते हैं कितना सच और कितना झूठ। नंदनी, तुम एक काम करो, एक कांस्टेबल के साथ इस गगन को तुरंत थाने भेज दो। ओके सर। और जैसे भी उस गौरी की क्वेश्चनिंग वहीं शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारे लिए उसे यहाँ लाना मुश्किल होगा। देखती हूँ सर, ये गौरी जायसवाल कितनी अच्छी एक्टर है। पुलिस स्टेशन? पर क्यों? क्योंकि कुछ बातें सिर्फ थाने में की जा सकती हैं, कहीं और नहीं। पर मैं, मतलब मेरा क्या लेना देना है? आपकी बहन से तो है ना, गौरी का पति है प्रवीण जिस पे अटैक हुआ है। लेना देना कैसे नहीं है गगन जी, फैमिली के बाकी लोग हिले हुए हैं, आप कंट्रोल में लग रहे हैं। जाइए, आपको हमारे कांस्टेबल ले जाएंगे थाने। चले सर। गौरी जी, दो सवाल है आपके लिए, आइए हमारे साथ।
आप मेरा फोन दीजिए प्लीज प्लीज। सर हम सिर्फ ऑर्डर का पालन कर रहे हैं, हमारे साथ पहले आपसे बात करेंगे फिर वो ऑर्डर देंगे, फोन दे दो हम लौटा देंगे। ये क्या मजाक लगा रखा है आप लोगों ने? देखिए मेरा जीजा सीरियस है हॉस्पिटल में, और आप लोग मेरे साथ ऐसे पेश आ रहे हैं? कोई बताएगा कि माजरा क्या है? हद है, आप लोग तो मुझे ऐसे लेके जा रहे हैं जैसे मैंने। हमारे बेटे से मिल सकते हैं? अब कैसा है मेरा बेटा, ठीक है ना? देखिए उसके वाइटल पैरामीटर्स हमारी पूरी कोशिश के बावजूद भी ड्रॉप होते गए। आई एम सॉरी प्रवीण अब नहीं रहा। मैडम एक मिनट, प्रवीण जायसवाल की डेथ हो गई। ये सब क्या हो रहा है? मुझे यहाँ पर अलग क्यों बिठा कर रखा है? मेरे फैमिली से वहां ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन खत्म हो गया है। खत्म हो गया है? तुम्हारे पति प्रवीण जायसवाल अब नहीं रहे गौरी, पर तुम्हें तो पूरी गारंटी थी ना कि तुम्हारे पति इस अटैक से बच नहीं पाएंगे। प्रवीण जायसवाल सरवाइव नहीं कर पाया, लेकिन उसके कत्ल का मोटिव लगभग हमारे सामने था। प्रवीण और गौरी की शादी के तो सिर्फ 3 महीने ही हुए थे, और 3 महीने में उसने ऐसा भयानक प्लान बना लिया। और गौरी का भाई गगन गुप्ता, सिर्फ बिजनेस के लिए उसने इतना बड़ा कांड करवाया, अनबिलीवेबल। इस मर्डर की मोडस ऑपरेंडी और मोटिव दोनों शॉकिंग भी थे और अनबिलीवेबल भी, पर जो उस वक्त हमारे सामने था वो अधूरा सच था। इस साजिश का एक भयंकर पहलू अभी भी पर्दे के पीछे था। कब कर रहे हो तुम? मैं कोई क्रिमिनल तो हूं नहीं कि चला और मारा है प्रवीण को, तो तरीका तो निकालना ही होगा। तो निकालना यार तरीका। देख जो पैसा आएगा ना उससे तेरा खुद का फिजियोथेरेपी का क्लिनिक खुलवा दूंगा पक्का, मैं वादा करता हूँ। बट हेल्प मी, गौरी खुश नहीं है प्रवीण के साथ। कुछ ऐसा तरीका निकालना होगा जिससे ये मर्डर मर्डर ना लगे, और अगर लगे भी तो पकड़ा ना जाए। तुझे जो भी सोचना है ना तो जल्दी सोच, मेरी बहन गौरी का दम घुटता है उस प्रवीण के साथ। ये क्या कह रही है? मैं प्रवीण के साथ खुश नहीं थी, 3 ही तो महीने हुए थे हमारी शादी को। तुम शादी किसी मिलिंद द्विवेदी से करना चाहती थी ना? मिलिंद? मेरा दोस्त मिलिंद। हाँ तुम्हारा दोस्त मिलिंद, जिसे तुम अपना जीजा बनाने पर तुले थे। मिलिंद, मिलिंद द्विवेदी, वो गौतम जी का बेटा? जी बाबा, अच्छा दोस्त है मेरा, अपनी गौरी के लिए बिल्कुल सही रहेगा। गौरी मिली है मिलिंद से? हाँ मम्मी, मतलब वो भैया के फ्रेंड है ना। और तुम दोनों ने तय कर लिया कि शादी करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस भैया ने पूछा। पापा मिलिंद वेल सेटल्ड है, तो मैंने गौरी से पूछ लिया, उसे ठीक लगा, मिलिंद भी गौरी से शादी करना चाहता है। बेटा शादी को ट्रेन तो है नहीं, जो पहले आई सीट मिल गई बैठ के चल दी। हाँ पापा, पर मिलिंद गौरी के लिए हर तरीके से सही नहीं बल्कि बहुत अच्छा है। बेटा शादियां भले ही दो लोगों के बीच में होती हों, दो परिवारों के बीच में होती हों, पर हमारे यहाँ शादियां आज भी अपनी बिरादरी में ही होती हैं। पापा दुनिया इन सब से बहुत आगे निकल चुकी है, इंसान चांद तो छोड़िए आज मार्स पर जा चुका है। पर बेटा रहना तो उन दोनों को यही है ना, भोपाल में, या ज्यादा से ज्यादा दिल्ली या फिर मुंबई। मार्स पर तो मिलिंद की पोस्टिंग नहीं होगी ना। पापा मिलिंद अपना बिजनेस यूके लेके जा रहा है, वहां का वीजा भी मिल गया उसे। वाह बेटा वाह, अपने पापा को पाउंड्स और परंपरा के बीच चुनने को कह रहे हो। एक बात सुन लो बेटा, ये शादी कतई नहीं होगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है मिलिंद का, गगन की स्टार्टअप कंपनी में इन्वेस्ट भी करने वाला था, बस एक शर्त थी, गौरी से शादी करनी थी उसे। और गगन तेरे क्लिनिक के लिए इन्वेस्ट करने वाला था, शर्त थी कि प्रवीण को रास्ते से हटाना है, और तूने एक बेकसूर पर इतना भयंकर वार कर दिया। प्रवीण नहीं रहा अब, और तुझे इस बात का अंदाजा नहीं है कि अब तेरा क्या हश्र होने वाला है। आपने हमें बताया नहीं गौरी का शादी के पहले भी कोई था? अगर उसे इश्कबाजी करनी थी तो तलाक ले लेती, मेरे बेटे को मारने की क्या जरूरत थी? बकवास बंद करेंगे आप लोग? पहली बात यह कि मेरी बेटी की कोई इश्कबाजी नहीं चल रही थी,
और दूसरी बात कि गगन और गौरी इतनी गिरी हुई हरकत कभी कर ही नहीं सकते। कोई जबरदस्ती नहीं की थी किसी ने उसके साथ, पूरी मर्जी थी उसकी। देखिए मैडम, मुझे नहीं पता दिनेश मुझ पर, मिलिंद पर और गगन भैया पर ये झूठे इल्जाम क्यों लगा रहा है। मैं तो घर पे वेट कर रही थी प्रवीण का, हम डिनर करने जाने वाले थे। तुम वेट कर रही थी गुड न्यूज का कि अटैक सक्सेसफुल रहे, प्रवीण मारा गया। आप पागल हो गई हो, मेरा मिलिंद के साथ कुछ नहीं था। हाँ गगन भैया रिश्ता लाए थे, पर बस बात वहीं तक रह गई थी। मैं मेरे हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी, बहुत ज्यादा, और आप कह रही हैं कि बस सर, बहुत हुआ या पागलपन। आप मेरा फोन दीजिए सर, मुझे हॉस्पिटल जाना है। सर प्रवीण बहुत क्रिटिकल है। क्रिटिकल था, उसकी डेथ हो गई है। वैसे अगर दिनेश पकड़ा नहीं जाता तो इस वक्त तुम और दिनेश दोनों मिलकर कहीं ना कहीं पार्टी में बैठे होते या पार्टी कर रहे होते। बस सर बस, लिमिट क्रॉस कर दिया आपने। सर ना तो मैं दिनेश को इतने करीब से जानता था और ना ही मेरी बहन गौरी। उसने आपसे कहा, आपने मान लिया। मैं अपनी इकलौती बहन की जिंदगी बर्बाद होते हुए देखूंगा क्या सर? मेरी बहन खुश थी प्रवीण के साथ, बहुत खुश थी। पर तुम तो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। हमें तो यह भी पता चला है कि मिलिंद तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाला था। सर ये कब और कहां की बात आप किसके साथ जोड़ रहे हैं? सरासर झूठ है ये। हाँ सर, मैं मानता हूँ कि मिलिंद एक टाइम पे इन्वेस्ट करने वाला था, लेकिन अब नहीं। कोई आपको आधी अधूरी बातें बता रहा है, आप उसको पकी पकाई हकीकत मान रहे हैं। सर बस बहुत हो गया, मैं आपके एक भी सवाल का जवाब नहीं देने वाली। मैं जा रही हूँ मेरे हस्बैंड के पास। रुको गीता। जी मैडम। इस पे कड़ी नजर रखना, एक सेकंड के लिए भी अपनी नजर से ओझल मत होने देना। तुमने तो उसे अच्छी तरह से देख लिया गौरी, अब और क्या देखना बाकी है? जान से मार डाला तुमने मेरे बेटे को। नहीं माँ, ये झूठ है, झूठ है ये सब कुछ, मैंने कुछ नहीं किया। मिलिंद के घर जाओ और ले आओ उसे। लेकिन सर गगन तो इस बात से साफ इनकार कर रहे हैं, इस तरह की कोई साजिश थी। हॉस्पिटल से नंदिनी का फोन आया था, वो कह रही थी कि गौरी भी इस बात पे अड़ी है कि उसे कुछ नहीं मालूम। या तो सबके सब झूठ है या फिर कोई आधा सच बोल रहा है। जो भी है मातूर, हमें 100% सच चाहिए, वो भी बिना मिलावट के। अरे ये क्या वाहियत बर्ताव कर रहे हैं आप मेरे साथ? देखिए इस समय मुझे मेरी फैमिली के पास होना चाहिए। आप समझ नहीं रहे हैं, मेरी छोटी बहन विधवा हुई है। सर मैंने आपको सब कुछ तो बता दिया है, वो दिनेश झूठ बोल रहा है, गेम खेल रहा है, कोई फंसा रहा है मुझे। सर दिनेश झूठ बोल रहा है। एक काम करते हैं सर, इस मिलिंद की हिस्ट्री खोद निकालते हैं। ये गगन कह रहा था कि वो यहाँ है ही नहीं और उसकी शादी भी हो चुकी है। सर गौरी की शादी से पहले ही मिलिंद की शादी हो गई थी। शादी के तुरंत बाद मिलिंद लंदन में शिफ्ट हो गया सर। तब से लेकर अब तक हमारे बीच में कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं हुआ सर। मुझे पता नहीं दिनेश आपसे क्यों बार बार झूठ बोले जा रहा है। मिलिंद के घर से उसकी शादी की डिटेल्स निकालो और सभी के फोन रिकॉर्ड स्कैन करना शुरू कर दो। इंसान चाहे कितना भी झूठ बोल ले, लेकिन उसके करतूतों की परछाइयां सच को सामने ले आती हैं। जी ये मिलिंद द्विवेदी का घर है। जी हाँ। कहाँ है मिलिंद? जी वो तो लंदन में रहता है। क्या बात है इंस्पेक्टर? हमारी कस्टडी में दिनेश कौशल है। उसने खुद कबूल किया है कि उसी ने उन 3 एनेस्थेटिक दवाइयों की शीशियों को आपके हॉस्पिटल के स्टोर रूम से चुराया था। इंस्पेक्टर साहब ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हमारे हॉस्पिटल में हर जगह CCTV कैमरास इंस्टॉल्ड है और सिक्योरिटी गार्ड हमेशा इन कैमरों पे नजर रखे होता है कंट्रोल रूम में। किसी और कारण से लापरवाही हुई हो, हमारे पास रिकॉर्ड्स है। दिसंबर 2016 में दिनेश का कजन रंजन LG हॉस्पिटल में एडमिट था, सुसाइड अटेम्प्ट। मैं इसके तह तक जाऊंगा और एक डिटेल्ड इंक्वायरी करवाऊंगा। मिलिंद से बात हुई फोन पर, वो लंदन में। मतलब गगन सच बोल रहा है? उसका कहना है कि 4 महीने से वो इंडिया आया ही नहीं है। और ये बात भी सच है सर कि 6 महीने पहले उसकी शादी हुई थी और शादी के 2 महीने के बाद ही वो अपनी वाइफ के साथ लंदन शिफ्ट हो गया था। मतलब दिनेश गेम खेल रहा है हमारे साथ।
सर, अगर गगन गुप्ता ने दिनेश कौशल को सुपारी दी या दोनों के बीच में कोई साजिश हुई तो दोनों की एक बार तो फोन पे बात हुई होती या मैसेजिंग हुई होती। सर, मैंने दोनों के पीछे 6 महीने के कॉल रिकॉर्ड निकाल के स्कैन किए बट कोई कनेक्शन नहीं निकला, एक बार भी नहीं। सर, ये दिनेश और गगन दोनों बेलागंज के एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो हो सकता है कि इन दोनों ने जानबूझकर आपस में कभी फोन पर बात ना की हो ताकि कभी कोई कनेक्शन ही साबित ना हो, सारा कुछ फेस टू फेस हुआ हो। सर, गौरी के कॉल रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि गौरी और इस दिनेश का कोई सीन था बेलागंज में और ये दोनों मिलकर गगन और मिलिंद इन दोनों को फंसा रहे हैं इस मर्डर केस में? इंस्पेक्टर, देखिए इस समय मेरी फैमिली को मेरी जरूरत है, अब खोलिए इसे, जाने दीजिए मुझे, मुझे मेरी फैमिली के पास जाना है। नो सर, दिनेश और गौरी के बीच भी कोई फोन या मैसेजेस नहीं हुए हैं। सर, जैसा आपको दिनेश और गौरी के बारे में लग रहा था एग्जैक्टली मुझे भी वैसा ही लगा, बट सर फिर भी मैं फिर से दोनों के कॉल रिकॉर्ड स्कैन करती हूँ। एकदम बारीकी से करना नंदनी, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। राइट सर। सर, हम लोग यहाँ गगन, गौरी, दिनेश, मिलिंद इनके बीच में कोई कनेक्शन ढूंढने में लगे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाद में हमें पता चले कि बात कुछ और ही है, ये दिनेश हमें मिसलीड कर रहा है? ये दिनेश काफी टेढ़ा आदमी है, घुमा घुमा कर ही मकसद क्या है उस पर पहुंचा, अब क्या पता मकसद पर भी घुमा रहा हो। इसने प्रवीण के रूट की रेखी की थी, पूरी तैयारी के साथ गया था, इंजेक्शन से मर्डर करके भीड़ में खो जाने का प्लान था, पकड़ा गया तो प्लान फेल, लेकिन प्लान की असलियत क्या थी हमें ये पता लगाना होगा। माथुर, सर इसकी कुंडली निकालो, इसके क्लिनिक का बैकग्राउंड पता करो, अब देखते हैं कितना कूटने की जरूरत है कि ये बोले और जो बोले सच बोले। चल आजा, थोड़ी मटर गश्ती करते। अरे चल चल, शर्मा मत, हाथ दे। सर मुझे कुछ पता नहीं, मेरा बेटा दिनेश कुछ ऐसा कर सकता है इस बात का विश्वास भी नहीं हो रहा मुझे। आपके बेटे दिनेश ने जिस आदमी का कत्ल किया है, प्रवीण जायसवाल, वो उसकी पत्नी गौरी और उसकी फैमिली दोनों को जानता था। जानते तो हम भी हैं उन्हें, ये 2 गली के बाद उनका मकान है, पर हमारा उनसे कुछ ऐसा लेना देना नहीं था जिसकी वजह से दिनेश कुछ ऐसा। देखिए मेरे हस्बैंड की अस्थि अभी तक ठंडी भी नहीं हुई है तो प्लीज आप। मैडम चलना है मतलब चलना है। अरे मैं आपके सीनियर को बता चुकी हूँ। ऐसा है ना मैडम, केस मर्डर का है और खूनी ने डायरेक्ट आपका नाम लिया है तो एक बार नहीं दर्जन बार भी आपको थाने बुलाया जाए ना तो आपको आना ही पड़ेगा। सर मेरा बेटा दिनेश अपने काम में बहुत अच्छा है और उसका एक सपना है कि वो अपना एक क्लिनिक खोले फिजियोथेरेपी, उसके लिए बहुत पैसे चाहिए होते हैं सर, इक्विपमेंट्स वगैरह के लिए। मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूँ, क्या आपके बेटे दिनेश और आनंद गुप्ता की बेटी गौरी के बीच कोई चक्कर था? कभी ठीक से बात तक नहीं हुई दिनेश के साथ, हम एक ही मोहल्ले में से है, बचपन से देखते आ रहे एक दूसरे को और वहाँ हर कोई जानता है एक दूसरे को और हमारे तो कुछ कॉमन दोस्त भी हुए होंगे। जैसे ये निखिल चौहान। गौरी, तुम्हारे और दिनेश के फोन रिकॉर्ड में निखिल चौहान ये कॉमन नंबर शो अप होता है। पिछले 1 महीने में तुम्हारी और निखिल के बीच में काफी बातें हुई हैं, हमने उसके भी फोन रिकॉर्ड निकलवाए हैं। ये तुम्हारे बेलागंज का ही रहने वाला है ना? तुम्हारे, निखिल और दिनेश, इन तीनों के बीच में क्या कनेक्शन है? बोल। अपने बेलागंज में सभी लोग दिनेश कौशल को अच्छी तरह से जानते हैं और गौरी को भी जानते हैं, सब लोग दंग रह गए हैं कि दिनेश ऐसा कुछ कैसे कर सकता है, सब शॉक में हैं। शॉक गया तेल लेने, समझा? दिनेश ने कत्ल किया, वो पकड़ा गया, अब इसका गौरी के साथ कनेक्शन चाहिए, तो ये पता लगा कि इन दोनों के बीच और इन दोनों की फैमिलीज के बीच क्या था? सब खबर दे रहा हूँ, जल्दी बोल। खबर का नाम है निखिल चौहान। निखिल चौहान, अब ये कौन सा नया खिलाड़ी है? सेम मोहल्ले का है, दिनेश और इसकी खास दोस्ती थी, उसको टटोलो साहब, कोई कनेक्शन निकल सकता है। सर, मैंने दिनेश और गौरी दोनों के फोन रिकॉर्ड 2 बार स्कैन किए और सर एक तुक्का लग गया, निखिल चौहान, इस निखिल चौहान का नंबर गौरी और दिनेश दोनों के फोन रिकॉर्ड में है। सर दिनेश और गौरी इन दोनों से ये निखिल बराबर टच में है। गौरी का क्या कहना है? सर ये गौरी कहती है कि वो निखिल को बस ऐसी कैजुअली जानती है, बट सर मुझे लगता है कि वो झूठ बोल रही है, काफी कुछ छुपा रही है। निखिल चौहान मेरे स्कूल में था, मेरा सीनियर, कॉलेज में भी था और
मेरे एरिया में ही रहता है। तो उसका तुम्हारा और दिनेश तुम दोनों के टच में रहना एक इत्तेफाक है। जी करता क्या है निखिल चौहान? मुझे नहीं पता। तो जैसे ही गौरी ने बोला मुझे नहीं पता, मैं तभी श्योर हो गई कि कुछ ना कुछ छुपा रही है, क्योंकि पिछले पूरे महीने 15 बार इसकी और निखिल की बात हुई है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 15 अलग अलग नंबर से इस निखिल ने गौरी से बात की, और सर गौरी से पूछने पर वो कहती है कि वो जानती नहीं है कि निखिल करता क्या है, क्योंकि वो उसके टच में नहीं है। अब आखिरी पड़ा, शायद अब गौरी कुछ बोलेगी, शायद दिनेश, शायद ये निखिल चौहान, किसी ना किसी को तो बोलना हो। सर आपके कॉल के बाद निखिल चौहान का नाम घुमाया ऐसे ही, और ये देखिए ये सामने आया। अंडर ट्रायल है निखिल चौहान गैंगरेप केस में। कृष्णा ढूंढने का ड्रामा करने से बालियां तो मिलने से रही। हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि बालियों के पैर नहीं होते कहीं जाने के लिए, और हम दोनों जानते हैं कि हमारे बेटे निखिल के कदम बहके हुए हैं। आपने देखा उसे लेते हुए? चोरी को लेना नहीं कहते कृष्णा, आज अपने घर में की है, उसे हड़बड़ाहट में घर से बाहर जाते हुए देखा है मैंने। ये ले 17। क्या घनश्याम जी, आपको तो पता है मुझे राउंड फिगर पसंद है, 17 में मजा नहीं आ रहा है, 20 कर दो ना। अबे निखिल बिना बिल के दे रहा हूँ, और वैसे राउंड फिगर 15 भी होता है, तू वापस कर, मैं 15 कर देता हूँ। नहीं चलेगा। गौरी जायसवाल देखो, लगभग हम श्योर हैं कि निखिल चौहान तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है। कितना अतीत कितना वर्तमान, कितनी अतीत ने वर्तमान में प्लानिंग की भविष्य की, जो भी है सच सच बता दो। सब कोई माजरा नहीं है, मैं तो उसे कभी कॉल भी नहीं करती थी सामने से, वो खुद करता था। क्यों करता था? तापमान पूछने के लिए, या फिर अतीत की आग अब भी सुलग रही है तुम दोनों के बीच? ऐसा कुछ नहीं है, और जो कुछ भी था वो एक साल पहले ही खत्म हो गया था। जो था क्या था, या फिर क्या है, क्योंकि अगर था होता तो पिछले एक महीने में 15 कॉल नहीं करता, वो भी अलग अलग नंबर से। बोल दो गौरी, अभी भी तुम दोनों का अफेयर चल रहा है ना? तो ये गगन और मिलिंद द्विवेदी वाला एंगल गुमराह करने की कोशिश थी दिनेश की तरफ से। लेकिन उसने उस एंगल में भी गौरी का नाम तो लिया था, अब पूरा शक गौरी पर था, साथ में एक नया एंगल भी जुड़ गया था निखिल चौहान का। वर्तमान में जो हुआ था उसका निखिल चौहान और गौरी के अतीत से वास्ता तो था, पर दुखद सच ये था कि वर्तमान की इतनी भयानक शक्ल किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी, खासकर विक्टिम प्रवीण जायसवाल ने तो कतई नहीं। गौरी 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 कॉल्स काट रही है, बात नहीं कर रही है, क्यों? कॉल्स काट रही हूँ, बात नहीं कर रही हूँ, काफी है ना समझने के लिए कि हम दोनों के बीच जो कुछ भी था खत्म हो गया है। गौरी मैं दिल से पछता रहा हूँ, मेरा ट्रायल भी चल रहा है, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। तू पागल है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? चोरी की बात होती ना तो मैं एक बार सोच भी लेती, रेप किया उस लड़की का अपने दोस्तों के साथ मिलकर, अच्छे से जानती उस लड़की को निखिल। गौरी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती नहीं जुर्म किया है तूने, पाप किया है निखिल। आज के बाद कभी अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे, जाए यहाँ से। विमल कांत जी वो तो आप हैं इसलिए मैंने पूरी बात आपकी सुन ली, पर अब हम इज्जत के साथ कह रहे हैं कि आप यहाँ से जाइए और दोबारा अपने बेटे का रिश्ता लेकर यहाँ कभी मत आइएगा। निखिल पछता रहा है, गिल्ट महसूस कर रहा है, उसे एहसास। अरे विमल कांत जी रहने दीजिए, पहली बात ये कि गौरी और निखिल के बीच में जो कुछ भी स्कूल और कॉलेज में रहा उसे निखिल ने खुद जलाकर राख कर दिया, अब तो गौरी उसके नाम से भी नफरत करती है। और दूसरी बात, आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए विमल कांत जी, क्या आप अपनी बेटी का रिश्ता किसी गैंग रेप करने वाले लड़के के साथ करते, ऐसा करने की भी सोचते? क्या आपके मन में ख्याल नहीं आता कि जो लड़का अपने दोस्तों के साथ मिलकर किसी लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार कर सकता है वो कल को अपनी बीवी के साथ भी कर सकता है, यानी आपकी अपनी बेटी के साथ? कृष्णा जी कर रहा था कि जमीन फट जाए और निकल ले मुझे, आज के बाद उस गौरी का नाम इस घर में नहीं लेना, तेरी शादी की जिम्मेदारी अब हमारी नहीं है। बचपन का प्यार है हमारा, अब भी प्यार करती है वो मुझसे। ये गलत फहमी है बेटा तुम्हारी, वो अब तुझसे नफरत करती है, और एक बात कान खोलकर सुन ले, अरे इस मोहल्ले में तो क्या, इस शहर में भी कोई लड़की देने से रहा हमें? बाहर के कुछ रिश्ते हैं
उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को जो ठीक लगता है कीजिए, मैं किसी से भी शादी करने को तैयार हूं। हेलो गौरी, फोन मत काटना। निखिल तुम बार बार क्यों फोन कर रहे हो? देखो मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है, मेरी शादी हो चुकी है। मेरी भी हुई थी, टूट गई। मैं मेरे हस्बैंड के साथ बहुत खुश हूँ, समझे? बाय। गौरी रुको रुको, प्लीज मेरी बात सुनो। अब बात करने के लिए कुछ नहीं बचा है निखिल। पर प्यार तो वही है ना जो बचपन में था, स्कूल में था, कॉलेज में था, और मुझे पता है आज भी है, तुम्हारे दिल में भी और मेरे दिल में भी। प्लीज स्टॉप इट, ये बेकार की ट्राई करना ना तुम बंद कर दो। मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ एक फीलिंग है, नफरत था, सिर्फ था। जो है आप ढूंढ रहे सर, वो कुछ है ही नहीं। मैं निखिल से बात तक नहीं करती थी। उसने जब पहली बार मुझे कॉल किया, मैंने वो नंबर ब्लॉक कर दिया, और फिर वो हमेशा अलग अलग नंबर से कॉल करने लगा। मैं सारे नंबर्स ब्लॉक करने लगी। अब चेक कीजिए ना फोन रिकॉर्ड्स, निखिल ने मुझे 15 बार 15 अलग अलग नंबर से मुझे कॉल किए होंगे। और अब आप कह रहे हैं कि निखिल ने ही प्रवीण को मरवाया होगा। सर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। निखिल चौहान, वैसे अगर तू भागता तो अच्छा होता, हम सबकी थोड़ी कसरत हो जाती। अब नहीं भागा तो नहीं भागा, ये तो और भी अच्छी बात है। अब तू बिना कसरत के ही अपना जुर्म कबूल कर लेगा। सर, दिनेश कौशल ने मुंह खोला, बोल रहा है किसी निखिल चौहान के कहने पर उसने प्रवीण जायसवाल पर अटैक किया। एक लंबे अरसे से किसी ने हमें इतना नहीं खोया है। तो निखिल ही मेरे पैसे का इंतजाम कर रहा था, और उसी का ही आइडिया था, अगर पकड़ा जाओ तो गगन को फंसा देना मिलिंद का नाम लेकर। नुपुर ऐसी क्या बुरी थी जो तलाक दे दे तूने उसे? नुपुर बुरी थी क्योंकि वो मेरी गौरी नहीं थी। तब गौरी कौन सी तेरी हो सकती है? शादी हो चुकी है उसकी यार। भाई शादियां ना हड्डियों की तरह होती है, मजबूत से मजबूत हड्डियां भी टूट जाती है, और ये तुझसे बेहतर कौन जान सकता है भाई। अरे टूटी हड्डियां जुड़ सकती हैं निखिल, लेकिन टूटा दिल और टूटा भरोसा कभी नहीं जुड़ते। मुझे पता है मैंने गौरी को बहुत दुख दिया है यार, उस दिन शराब के नशे में बहुत बड़ी गलती कर दी यार। पर तू जानता है मैं ऐसा नहीं हूँ, न पहले कभी कुछ ऐसा किया है, न दोबारा करूँगा। देख अब जो हो गया है उसका सामना कर, अपने फ्यूचर का सोच यार। मेरा पास्ट भी गौरी थी, मेरा प्रेजेंट भी गौरी है, और मेरा फ्यूचर भी गौरी है, मेरी पूरी लाइफ गौरी है। और गौरी की लाइफ उसका पति है प्रवीण, तेरे लिए वो अपनी शादी नहीं तोड़ेगी यार। ना तोड़े पर मेरे साथ भी रिश्ता जोड़े, मुझे इस अरेंजमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं। प्यार का रिश्ता कोई अरेंजमेंट नहीं होता, और गौरी ना प्रवीण के साथ एक नहीं दो नहीं पूरे 7 जन्मों के लिए जुड़ चुकी है यार। तो वो उसको अगले जन्म में मिलेगी, इस जन्म में तो गौरी मेरी। जल्दी से जल्दी उसको स्वर्ग लोग पहुंचा देते हैं। अरे अरे पकड़ो उस आदमी को, उसने कुछ किया है साहब को। प्रवीण 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 साहब, प्रवीण साहब, प्रवीण। निखिल और दिनेश ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। दिनेश हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि निखिल उसके लिए पैसों का इंतजाम कर रहा था। उन पैसों से दिनेश अपने लिए फिजियोथेरेपी क्लिनिक खोलना चाहता था। दिनेश जब जब प्रवीण का पीछा करता, निखिल भी होता था वहां पर, अटैक के वक्त भी था, देख रहा था सब कुछ। सर कौन था वो? तुम्हारे बेलागंज का निखिल चौहान। निखिल चौहान? हाँ, दिनेश ने मैं पहले मिसलीड किया था, दरअसल निखिल ने ही दिनेश को भेजा था। सर इस निखिल ने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी, वो रेपिस्ट है सर, क्रिमिनल है वो, और अब खूनी भी। निखिल को कोई जनवर पछतावा नहीं था, चोरी से गैंग रेप और फिर मर्डर पे उतर आया। ऑफिसर
ऐसे ऑब्सेसिव और वैश्य क्रिमिनल के लिए तो उम्र कैद की सजा भी मिनिमम ही होगी। और वो दिनेश कौशल इतना कोल्ड ब्लडेड, इतना क्रूर, क्या उस प्राइवेट हॉस्पिटल ने कोई एक्शन लिया अपने लापरवाह स्टाफ पर? उनकी इंक्वायरी अभी भी जारी है। जो तीन ड्रग्स उसने यूज किए थे मर्डर के लिए, वो ओवर द काउंटर नहीं बिकते, वो उसने हॉस्पिटल के स्टोर रूम से चुराए थे। सीसीटीवी होने के बावजूद वो अंदर दाखिल कैसे हो पाया, इसकी इंटरनल इंक्वायरी चल रही है हॉस्पिटल में। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि उस सीसीटीवी की मॉनिटरिंग किए जाने के बावजूद यह सब हुआ। सिस्टम और टेक्नोलॉजी अपने आप में कभी भी कमजोर नहीं होते, उन्हें इस्तेमाल करने वाले लापरवाह लोग सिस्टम को वीक बनाते हैं। अक्सर ऐसी लापरवाही होती है, हमसे भी हो सकती है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात यह है कि एक निर्दोष आदमी सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि कोई दूसरा आदमी अपने ऑब्सेशन पर काबू नहीं कर पाया। दिनेश कौशल और निखिल चौहान को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए, धारा 120 बी के तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए और धारा 328 के तहत किसी की हत्या करने के उद्देश्य से उसे जहरीला पदार्थ देने के लिए गिरफ्तार किया गया। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।